आप देख रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को। क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 एक दो तीन चार पीछे पांच साइड में छह ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है जहां तक आप बैठे हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं उधर भी इधर भी और पीछे, पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास कर। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से। नहीं, फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे। नहीं, फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी। नहीं, फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह ये सब मनुष्य को सड़ाने वाले, इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो। प्रयास ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा स्मरण नहीं करा संकीर्तन नहीं करा तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा फिर कह रहा है पत्नी बच्चे घर और खाने को भोजन पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई, चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी तुम्हारा पति भी होगा प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी बच्चे घर सामान सब मिलता है सब कुछ मिलेगा पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी करो सर्विस करो धंधा करो बिजनेस करो जो तुम्हें करना है सब करो पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा भगवान का भजन कीर्तन करते चलो।
तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकाल कर कथा सुन लिया करो, दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूँ, कहाँ कथा सुन पाता हूँ, कहाँ समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टीआई टाई भाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है, एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो, आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकाल कर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है, तो परमात्मा मैंने एक शब्द कहा, मैंने दो कारणों से तुझे बनाया है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे, पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा, पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई तो बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा, कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तू उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी पति बच्चे बेटा बेटी माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है, पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।